हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो व्हीकल रिलेटेड और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियोज है, उन पे कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में LMV या LMV NT कैटेगरी ऐड है, तो हम इसके अंदर कौन कौन से व्हीकल चला सकते हैं वो आप बता दीजिए। वहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि सर, हमको कॉमर्शल ट्रांसपोर्ट या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, इसका क्या प्रोसीजर है वो भी आप बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सभी के बारे में जानकारी बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से ऐसी ही जानकारी पाने के लिए, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर आप कोई कॉमर्शियल व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाते थे, तो आपको अलग से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत होती थी, अलग से उसमें एंडोर्स करवाना पड़ता था। वहीं दोस्तों, अगर अब की बात करें तो नियमों में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। अगर आपके पास कोई सा ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें LMV या LMV NT कैटेगरी ऐड है, तो उससे आप कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक या प्राइवेट कोई सा भी व्हीकल चला सकते हो। जैसे कि आपका कार हो गया, रोड रोलर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ओमनीबस हो गया, या यात्री या सामान ढोने वाला वाहन हो गया, या फिर कोई अन्य वाहन। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका LMV या LMV NT कैटेगरी ऐड है, तो उस पर आप 7500 kgs, जिन वाहनों का ग्रॉस व्हीकल वेट या फिर अनलेडन वेट 7500 kgs से कम है, तो उनको आप चला सकते हो इस कैटेगरी के अंदर, चाहे ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, रोड रोलर हो, या ओमनी बस हो, या फिर कोई अन्य वाहन हो, लेकिन वेट उसका 7500 या 7500 kgs से कम होना चाहिए। अगर आप कोई सा ऐसा वाहन यूज कर रहे हो जिसका वेट 7500 kgs से ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अब बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगी कि ये आखिर कैसे पता लगेगा, ये जो आपके व्हीकल की जो RC है ना, उसमें आपको दिख जाएगा अनलेडन वेट या फिर ग्रॉस व्हीकल वेट। ग्रॉस व्हीकल वेट वो होता है कि जो गाड़ी का वजन प्लस सामान का वजन जो उसमें लदा हुआ है, तो उसका होता है ग्रॉस व्हीकल वेट। अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसमें आपको ग्रॉस व्हीकल वेट देखना है, वो RC में आपको दिख जाएगा, जो आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, उसमें आपको दिख जाएगा। और अगर आपका कार, ट्रैक्टर, इस तरीके के वाहन है, तो उसमें RC में आपको अनलेडन वेट देखना है, तो उसमें आपको ओवरऑल वेट इसका दिख जाएगा। तो 7500 या 7500 kgs से कम वेट है, तो आप इस कैटेगरी में LMV या LMV NT कैटेगरी में इन सभी को आप चला सकते हो, चाहे ओमनीबस हो, ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, या फिर रोड रोलर हो, या फिर कोई भी अन्य वाहन हो। और अगर ज़्यादा वेट है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अगर 7500 से लेके 12000 किलोग्राम तक का व्हीकल है जिसको आप चला रहे हो, तो अब आपको DL एंडोर्समेंट की जरूरत होगी, और उसमें आपको अप्लाई करना है HMV, यानी हाँ, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। उसका पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया हुआ है, जो आपको इसमें दिख जाएगी, इसमें भी मैंने बताया हुआ है, या फिर इसमें मैंने बताया हुआ, और जो DL एंडोर्समेंट के ये वाली एक महीने पहले अपलोड किया है, इनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके इन वीडियो को आप देख सकते हो। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आता है जैसे कि पब्लिक सर्विस व्हीकल हो गया, गुड कैरेज यानी कि जो माल ढोने वाला वाहन है वो हो गया, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई स्कूली बस हो गई, इन स्कूल या फिर कॉलेज की जो बस हो गई, वो प्राइवेट सर्विस व्हीकल, ये सभी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आते हैं। आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल, पब्लिक, प्राइवेट, इन सबको चला सकते हो, लेकिन जो वेट है वो 7500 kgs से कम या 7500 kgs होना चाहिए, अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में LMV या LMV NT कैटेगरी ऐड है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपकी कन्फ्यूजन, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आगे मेरे को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।
और जुड़ना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से ऐसी ही जानकारी रेगुलर पाने के लिए, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे, राइट साइड में घंटी के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, अगर अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं वीडियोज की बात करूँ तो ड्राइविंग लाइसेंस मैंने 149 वीडियो अपलोड कर रखी। इसमें मैंने अपलोड कर रखा कि आप लर्नर लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, रिप्लेसमेंट ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, पेमेंट वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, पेंडिंग फेल हो जाती है उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, अपॉइंटमेंट अपने लाइसेंस का किस तरीके से ले सकते हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड किस तरीके से कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड री अपलोड किस तरीके से कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस कैटेगरी में वीडियोज में दी हुई है। वहीं व्हीकल रिलेटेड मैंने 110 वीडियो अपलोड करके इसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने व्हीकल से HP किस तरीके से हटवा सकते हैं। HP होता है दोस्तों लोन, लोन किस तरीके से हटवा सकते हैं, ऐड या कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से रख सकते हैं, रोड टैक्स की पेमेंट किस तरीके से काट सकते हैं, चालान किस तरीके से देख सकते हैं और अगर चालान है तो उसको किस तरीके से आपको ऑनलाइन भुगतान करना है और व्हीकल को आप किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और परमिट के लिए क्या, परमिट का प्रोसेस क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने का, वो सब मैंने बताया हुआ, देखना चाहते हो देख सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।